Hello everyone, welcome back to Exam Cracker. Today I am going to discuss Theories of Business Cycle Part 3. Okay, we are discussing about the Theories of Business Cycle. So, जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक मेरा वीडियो लास्ट लेसन जो नहीं देखा है वो आप लोग जाके देख सकते हैं. सो दिस दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नीट एंड स्लेट एग्जामिनेशन में. ओके सो टूडेज कंटेंट इज कल्टोर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक साइकिल एंड रियल बिजनेस साइकिल. हम लोग ये दोनों थ्योरीज आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल में. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज लेसन कल्टोर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक साइकिल. सो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हिक्स का जो थ्योरी था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो हम लोगों ने देखा था कि विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेटर एंड मल्टीप्लायर वैल्यू कैसे हिक्स ने बिजनेस साइकिल को डेवलप किया था. ओके सो बट हिक्स ने मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर को तो लिया था कंसिडर किया था मगर हिक्स नेग्लेक्ट द रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ओके सो हिक्स नेग्लेक्ट किया कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑन इन्वेस्टमेंट का रोल ये नेग्लेक्ट किया था. ओके देन कल्टोर ने बोला कल्टोर का ट्रेड साइकिल डेवलप हुआ 1940s में आफ्टर 4 इयर्स ऑफ जनरल थ्योरी इन 1936. सो 1936 केन्स का जो जनरल थ्योरी बुक था उस बुक के बाद केन्स कल्टोर ने उसका थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल डेवलप किया था. ओके सो लेट्स डिस्कस दैट ओवरव्यू. कल्टोर मॉडल कंसिडर डिमांड फॉर कैपिटल गुड एज रिलेटेड टू द level of income and not to the rate of its changes. So Kaldor considered that demand for capital is related only to the income. Okay, so income kitna hai entrepreneur or producer के साथ इनकम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कैपिटल गुड्स डिमांड करेंगे बट नॉट इन द चेंजेस. इनकम कितना चेंज होता है उसके ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं करते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कल्टोर मॉडल एज्यूम दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस इज रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट. सो यहाँ पे कल्टोर ने बोला है कि एक्स एंटी सेविंग एंड एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट. सो आप लोगों को आई होप पता ही होगा एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या है. एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है जो प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है जो एक्चुअल नहीं होता है. ओके जो एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. और जो प्लान होता है पहले ही हम लोगों ने प्लान करके रखा है कि इतना सेविंग हो करेंगे इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसको हम लोग एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. सो कल्टोर टेक्स इनटू कंसीडरेशन टू वेरिएबल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बट इन एक्स एंटी सेंस बट इन प्लान सेंस. ओके अभी हम लोग देखते हैं इफ सेविंग इज ग्रेटर देन इनकम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉल शॉर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रिंग डाउन बाय कंट्रैक्शन ऑफ द सेविंग. ओके सो इस सिचुएशन में क्या होता है अगर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट इस सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन हो जाता है. ओके ज्यादा सेविंग करने लग जाते हैं मगर अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ देन क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड ऑफ इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीजेस. ओके एंड देयरफॉर एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट इंड्यूस ए चेंज इन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बिकॉज कल्टोर वांट्स टू से दैट बिकॉज ऑफ एक्स एंटी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट देयर इज ए चेंजेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड फर्दर कल्टोर एज्यूम्स दैट इनकम इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू इनकम एंड कैपिटल स्टॉक एंड सेविंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू इनकम एंड कैपिटल स्टॉक. एंड यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है. ओके एंड फर्दर जो कल्टोर है उसने बोला है कि इफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर लीनियर देयर मे बी टू पॉसिबिलिटीज. सो लीनियर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वेरिएबल लीड्स टू पॉसिबिलिटीज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके दो पोजिशंस दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकता है. सो नेक्स्ट हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस करेंगे कैसे अनस्टेबल एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है. ये जो है यहाँ पे देखिए सेविंग्स जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट हुआ है. ओके जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो स्टार्ट हुआ है यहाँ से और जो ऑप्शन यहाँ पे बी फिगर दिया गया है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो रिलेशन है यहाँ पे भी सेम ही है. इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ है सेविंग कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ है. ठीक है सो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा ये फिगर ए ये मोर स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू फिगर बी. ओके क्यों होगा
ये भी तो एक रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ पे बोला गया है कि अगर देखिए यहाँ पे अगर चेंजेस कुछ होता भी है, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कुछ चेंजेस होता भी है, देन ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन अचीव कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जब चेंजेस होगा इट इज वेरी रिस्की, ओके, ये इतना आसानी से अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए दोनों में से फिगर ए जो है वो मोर स्टेबल इक्विलिब्रियम है देन कंपेरिजन टू दिस फिगर फिगर बी। एंड कालदोर ने बोला गया है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो रिलेशन है, हम लोग लीनियर विद द हेल्प ऑफ लीनियर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अभी अगर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो कर्व है वो नॉन लीनियर होगा, देन नॉन लीनियर में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे स्टेबल एंड इक्विलिब्रियम को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो कर्व है वो नॉन लीनियर है, ठीक है। ये नॉन लीनियर कर्व है, याद रखिए ये, ठीक है। इस कर्व में जो जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे है पॉइंट ए और यहाँ पे है पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों में स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर यहाँ पे बिलो ए ये हम लोग रीजन अगर एज्यूम करते हैं, ठीक है, और जो है वाई टू एंड वाई थ्री के बीच में अगर हम लोग जो एरिया है वो एज्यूम करते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, ओके। सो याद रखिए बिलो पॉइंट ए और बिलो पॉइंट वाई एंड वाई टू एंड वाई थ्री इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग, इसका मीनिंग ये है इनकम जो है वो इनकम इंक्रीज होगा इस रीजन में, ठीक है। अगर हम लोग ये पकड़ते हैं अबोव द पॉइंट y1, ठीक है, ये जो y1 पॉइंट है इसके अबोव हम लोग कुछ भी पकड़ते हैं, ठीक है, देन क्या होगा, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, मतलब इसका अपोजिट सिचुएशन हो जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बिलो y1 एंड बिटवीन y2 एंड y3 क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, बहुत अच्छे से सुनिए, इन्वेस्टमेंट इन ग्रेटर देन सेविंग एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, एंड जो वाई थ्री अबोव वाई थ्री का पोजिशन है एंड अबोव वाई वन का पोजिशन है, यहाँ पे सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट इनकम फॉल्स, ओके। आई होप अब ये जो बात है समझ में आ गया है, मगर ये जो रीजन यहाँ पे दिया गया है, कालदोर ने यहाँ पे बोला गया कि ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए भी के लिए ही हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द मेन फैक्टर स्टॉक ऑफ कैपिटल विल प्ले इट्स रूल एंड के गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड डी एक्यूमुलेटेड ओवर बिजनेस साइकिल एंड ब्रिंग्स द चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे इंक्रीज होगा, कभी सेविंग इंक्रीज होगा, इसका जो रीजन दिया गया है, इसका रीजन है स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्टॉक हमारे पास कितना है, एंटरप्रेन्योर के पास कितना है, उसके लिए ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग का चेंजेस होते रहते हैं। सो द रूल ऑफ कैपिटल स्टॉक, द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कालदोर्स मॉडल। सो बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक ऑफ कैपिटल हम लोग क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल कभी कभी एक्यूमुलेट होता है, कभी कभी स्टॉक ऑफ कैपिटल डी एक्यूमुलेट होता है ओवर ए बिजनेस साइकिल, एंड बिकॉज ऑफ द रीजन देयर इज अ चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसका क्रिटिसिज्म, एंड ये भी आप लोग याद रखिए कि कालदोर मॉडल जो है वो इंडोजेनस मॉडल है, ठीक है, इंडोजेनस मॉडल एंड सेल्फ जनरेटिंग मॉडल है,
एंड और कालडोर ये भी कंसीडर किया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको भी कंसीडर किया है, ये भी याद रखिए। एंड इसका क्रिटिसिज्म भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इग्नोर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ओके, सो कालडोर इग्नोर द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कालडोर इग्नोर मॉनिटरी फोर्सेस एंड कालडोर ऑल्सो इग्नोर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। सो क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। सो रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी डेवलप बाय आर नेल्सन, चार्ल्स एल प्लॉसर एंड जॉर्जी मैनक्यू, ओके, ये तीनों ने डेवलप किया था रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी। रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी मेंटेन्स दैट वेरिएशन इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ब्रॉट बाय वेरिएशन इन द वेरियस रियल स्टॉक्स रिसीव बाय इकोनॉमिक सिस्टम। सो जितना भी मतलब वेरिएशन होता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक सिस्टम में जितना वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन कौन लाता है? रियल स्टॉक्स लाता है। अभी रियल स्टॉक्स क्या है हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। बट डिस्पाइट दिस मार्केट एडजस्ट रैपिडली एंड इकोनॉमी ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो रियल जो स्टॉक्स है, रियल वेरिएबल के लिए जो होता है वो रियल स्टॉक्स इकोनॉमी में होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रियल स्टॉक आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी चेंजेस होता है, और मार्केट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, ये भी यहाँ पे बोला गया है। दिस थ्योरी इज नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी हुज एसर्ट दैट एंटीसिपेटेड मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस हैव नो इफेक्ट अपॉन द रियल वेरिएबल। सो दिस रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी आप लोगों को अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है, अगर याद नहीं है मेरा अपकमिंग लेसन देखते रहिए, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। सो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी में बोला गया था कि जो एंटीसिपेटेड मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर लोगों ने एंटीसिपेट कर लिया देन कोई भी पॉलिसी सेंस इफेक्ट नहीं कर सकता, अगर अनएंटीसिपेटेड है देन ओनली बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। नेक्स्ट, दिस थ्योरी ऑल्सो रीऑर्गेनाइजेस द वैलिडिटी ऑफ रैंडम वर्क augmented related to GDP growth, that GDP having moved up and down has no tendency to return to the trend. So this RBC real business cycle is based on random walk model, okay? यहाँ पे बोला गया है कि GDP अगर बहुत increase हुआ है and GDP अगर down भी हुआ है then there is no tendency to return back, okay? नेक्स्ट, टू एक्सप्लेन फ्लक्चुएशन इन रियल वेरिएबल्स, रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी एम्फेसिस रियल चेंजेस इन द इकोनॉमी, सच एज चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, दिस थ्योरी एक्सक्लूड द नॉमिनल वेरिएबल टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। सो यहाँ पे सिर्फ रियल वेरिएबल के बारे में बात किया गया है, कौन कौन सा है, सच एज चेंजेस इन द फिस्कल पॉलिसी एंड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, इस सब के बारे में बात किया है। अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे अबाउट द रियल वेरिएबल, किन किन सर जो जो रियल वेरिएबल है कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वो लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो रूल ऑफ टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, so there are primarily caused by real or supply side shocks that involves exogenous large random changes in the technology. So because of changes in the technology, supply side shocks बोल रहा है इसको, then because of technological changes, production function जो है वो shift कर सकते हैं। So technological अगर advancement होगा then production function upward shift करेंगे, and this leads to increase in available resources, investment, consumption and real output, okay? With increase in investment, capital stock increases with further increase in output, consumption and investment. So technological advancement अगर होगा then production function upward shift होगा, then there is a expansion of the economy, consumption ज्यादा होगा, real output ज्यादा होगा, ठीक है। Next, this process of expansion of economy continues due to changes in technology over time. According to Plosser, it is a purely real model driven by technological disturbances and hence it has been labeled as a real business cycle theory. So, जो यहाँ पे expansion phase जो start हुआ है because of advancement of technology, ये because of real variable के लिए हुआ है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि this is a pure real business cycle model.
यहाँ रियल बिजनेस साइकिल का जो एग्जाम्पशन है वो आप यहाँ से देख लीजिए. ओके, इफ यू वांट टू गेट योर दिस पीडीएफ आल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस. ओके, आप लोग टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे. अदरवाइज जो अगर पीडीएफ के लिए होगा देन जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जाके आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये जो एग्जाम्पशन है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए. ठीक है, एग्जाम्पशन को मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट डिस्कस हम लोग करते हैं कि लेबर मार्केट के बारे में. लेबर मार्केट इज ऑल्सो ए लेबर इज ऑल्सो ए रियल वेरिएबल. ओके, इसीलिए हम लोग लेबर मार्केट के बारे में बात करेंगे. सो द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी एम्फेसाइजेस दैट देयर इज इंटर टेम्पोरल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर इन द लेबर मार्केट. ओके, नेक्स्ट, when a technology advance leads to boom, marginal productivity of labor increases. अभी देखिए, अगर technological advancement हुआ है economy में, अगर technological advancement हुआ है and because of this reason there is a period of boom, there is a period of expansion, then marginal productivity of labor also increases. Very important point. In real business cycle, it is written that if there is a technological advancement and because of this advancement there is a boom period, there is a expansion period, then marginal productivity of labor increases and there is increase in employment and real wages in response to high real wage workers reduces leisure. Okay, next, on the contrary, when technology is unfavorable and declines, the marginal productivity of labor, employment, real wages are low. So, जो अपोजिट कंडीशन है वो भी फुलफिल होगा यहाँ पे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे देखिए, when a favorable technological change leads to boom, अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर इज अ पीरियड ऑफ बूम, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड रियल इंटरेस्ट रेट राइज. ओके, चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फेवरेबल डायरेक्शन लीड्स टू बूम एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होता है. ठीक है, रियल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता है. ठीक है, अगर आप लोग सभी सीरियस एस्पायरेंट हो, हम लोग जब डिस्कस करते हैं ये लेसन्स, देन आप प्लीज एक पेन एंड पेपर लेके बैठे ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट्स कर सकते हैं. जो जिस किसी ने भी पीडीएफ लिया है उन लोगों के लिए ठीक है, उन लोगों के पास पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, मगर जिसने नहीं लिया है वो लोग जो पेन एंड पेपर है वो लेके बैठे, तभी आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएंगे. On the other hand, an unfavorable technological change leads to a recession, reduces the marginal product of capital and real interest rate. अगर technology unfavorable हुआ, then recession होगा and at the time of recession, marginal product of capital and interest rate क्या होगा, reduce हो जाएंगे. Okay? Flexibility of wages and prices. The real business cycle theory assumes that wages and prices are flexible. Very important point. Real business cycle assumes that wages and prices are flexible. It is not static. It is not fixed. Wages and prices are flexible. They adjust quickly to clear the market. There is no market imperfections. It is the invisible hand that clears the market and leads to an optimal allocation of resources in the economy. So, real business cycle mein ye bhi कंसिडर किया गया है. एडम स्मिथ का जो इनविजिबल हैंड का थ्योरी था वो भी यहाँ पे सपोर्ट किया गया है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस इनविजिबल हैंड मार्केट ऑटोमेटिकली क्लियर्स. न्यूट्रलिटी ऑफ मनी. सो रियल बिजनेस साइकिल ऑल्सो एज्यूम दैट मनी प्लेस नो रूल इन द बिजनेस साइकिल थ्योरी. वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज न्यूट्रल, इट इज वेल, मनी डज नॉट एफेक्ट द रियल वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं. When there is a favorable technological change, the output increases and quantity of money demanded rises. So, अभी मनी जो न्यूट्रल है, अभी मनी न्यूट्रल है, अगर there is a advancement in technology, अगर advance हो technology बहुत ज्यादा improve करेंगे, then output increase होगा, quantity of money demanded increase होगा, banking system response
by advancing more loans, zyada loans provide karenge, central bank increases the money supply. With money supply increasing, price increases. Okay? इसका जो अपोजिट सिचुएशन है, जो वाइस वर्सा वाला सिचुएशन है, वो भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए. नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी के बारे में रियल बिजनेस साइकिल ने क्या बोला है, ये हम लोग देखते हैं. फिस्कल पॉलिसी हैज लिटिल रोल टू प्ले. फिस्कल पॉलिसी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे, कहाँ से रेवेन्यू अर्न होगा. सो ये जो है टैक्स रेट के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये होता है फिस्कल पॉलिसी. ओके, सो फिस्कल पॉलिसी हैज लिटिल रोल टू प्ले इन रियल बिजनेस साइकिल सिंस द इनविजिबल हैंड गाइडेड द इकोनॉमी. सो इट इज ऑब्वियस दैट अगर एडम स्मिथ का इनविजिबल थ्योरी यहाँ पे सपोर्ट किया है, सो ऑटोमेटिकली फिस्कल पॉलिसी का रोल नहीं हो सकता. ओके, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स सच एज टैक्स ऑन इनकम विल एडवर्सली अफेक्ट द आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, अगर फिस्कल पॉलिसी होगा भी, देन क्या होगा, ये एडवर्सली ही अफेक्ट करेंगे. नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल मे चूज मोर लीजर टू वर्क लीडिंग टू रिडक्शन इन द कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट. सो इंडिविजुअल जो है वो मोर ज्यादा लेबर ज्यादा लेजर यहाँ पे करेंगे, ज्यादा लेजर वो लोग सहेंगे. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर इज अ रिडक्शन इन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट. ओके, सो ऑलरेडी हम लोगों ने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रियल बिजनेस साइकिल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. जो क्रिटिसिज्म है, नो एम्पिरिकल एविडेंस, कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है यहाँ पे, जस्ट इट इज जस्ट ए थ्योरी. रियल बिजनेस साइकिल एज्यूम्स न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, बट अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल एविडेंस मनी इज नॉट न्यूट्रल इन शॉर्ट रन. ओके, रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी एज्यूम्स नो गवर्नमेंटल रूल. ओके, बट ऑलरेडी प्रूफ है कि गवर्नमेंट एडॉप्ट जो पॉलिसी एडॉप्ट करता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स. ओके, सो नेक्स्ट, इट डस नॉट एक्सप्लेन द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल. सो रियल बिजनेस साइकिल में क्या दिया बोला गया है कि जो कैसे मतलब रिसेशन होगा, कैसे बूम होगा, कैसे रिकवरी होगा, कैसे डिप्रेशन होगा, इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं दिया, जस्ट कुछ रियल वेरिएबल्स के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस किया गया है. ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी रिगार्ड दिस as the main source of economic fluctuations. So volatile expectation, unanticipated fluctuation in aggregate demand, random fluctuation in productivity, fluctuation in the quantity theory of quantity of money. So yahan pe right option hoga option C, that is random fluctuation in the productivity increase decrease, ye sab hota hai. And the real business cycle theory regards random fluctuation in productivity as the main source of economic fluctuations. Okay? Next, in the real business cycle theory, if quantity of money changes with no changes in the use of resources and no change in potential GDP, then kya ho sakta hai? Okay? क्वांटिटी ऑफ मनी अगर चेंज होगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज होगा, देन देयर इज ए ओनली प्राइस लेवल चेंज हो सकता है. ठीक है, नहीं समझ में आता है, फिर से रिपीट कीजिए, जो लेसन है रिवाइज कीजिए, सभी कुछ अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है, जो बताया गया है ज्यादा रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने से सभी आप लोग समझ में आ जाएंगे. ठीक है, और जो एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेसन्स देखा है वो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बिकॉज समझ में नहीं आया है उन लोगों को. ठीक है, सो हिग्स स्ट्रेट साइकिल के बारे में बोला गया है इस क्वेश्चन पे. सो हिग्स स्ट्रेट साइकिल थ्योरी, यहाँ पे जो रीजन सी है, ठीक है, ये सी रीजन क्या मतलब दिखाया है यहाँ पे. ओके, सी रीजन क्या दिखाया गया है ये पूछ रहा है यहाँ पे. सो ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, देयर विल बी ऑसिलेशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, देयर विल बी एक्सप्लोसिव अपवर्ड मूवमेंट, देयर विल बी स्टेडी ग्रोथ, नन ऑफ दिस. सो ये सी रीजन में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोगों को लेसन जो है प्रीवियस जो पहले का जो